चुनाव का तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अब सारे पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी पश्चिम में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार महेश चौगले ने आज रैली जो शुरू की गई कामत घर होते हुए से होते हुए फिर से देवजी नगर ऐसे होकर धनकर नाका पर समाप्त की जाएगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ रैली का आयोजन किया गया। रैली में लोग उपस्थित थे हर्षल पाटिल जो के, नीलेश चौधरी, सुमित पाटिल के अलावा रवि पाटिल और भी कई गणमान्य लोग पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के महायुति पदाधिकारी समाप्त थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका अपना पिछले स्वागत और सम्मान किया जा रहा था। सबकी एक अपेक्षा है कि हम युवा दरदार है, चुनाव दो बार आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के यह उम्मीदवार कुछ कर दिखाने की हौसला रखते हैं। इस हौसले के साथ लोग इनका साथ दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महेश चौगले का जगह जगह किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हनुमान चौधरी जी इस समय स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह जहां वो पहुंच रहे थे वहां पे उनका स्वागत और सम्मान उसी तरीके से किया जा रहा था कि विकास आने वाला समय भिवंडी शहर में विकास की गंगा बहेगी। लेकर चलते हैं हमारे टीम के साथ बिल्ला विठोबा बिल्ला नाइक और महेश चौगले ने क्या कहा है बातचीत करते हुए। क्या कहेंगे तो अभी 10 बजे से जो रैली निकला है कामजगर ताड़ाली और इस प्रचार रैली में जन समुदाय इतने भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है ये इतने कार्यकर्ता भारी संख्या में और तादाद में है तो मैं चौकले जो महायुति के हमारे उम्मीदवार हैं उसको कोई हरा ही नहीं सकता। आज के रैली का ये उदाहरण ताज़ा उदाहरण आप लोगों को शेर भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो चुनावी प्रचार रैली चल रही है क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या प्रतिसाद लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहे हैं इसके लिए पूरी जनता यहाँ के परिषद की साथ में चल रही है क्योंकि आज एक अच्छा मेरे माध्यम से मेरे सरकार के माध्यम से ये भिवंडी में विकास हुआ है वो विकास के मुद्दे पे जनता मेरी से खुश है और मुझे यकीन है जनता ने मुझे दो बार आशीर्वाद दिया तीसरी बार भी जनता ऐसे ही आशीर्वाद बरकरार रखेगी और मुझे आशीर्वाद। सर एक प्रश्न और सबसे अहम है कि यहाँ का समीकरण जो तैयार होता है हर वर्ष जात पात को लेकर, इस वर्ष आपको क्या लग रहा है क्योंकि विकास के मुद्दे पर हर वर्ष चुनाव होना चाहिए, इस समय आपको क्या नजर आ रहा है? कोई जात पात का मुद्दा नहीं चल रहा है, ये विकास का ही मुद्दा चल रहा है। आज आप देखोगे यहाँ पे सभी धर्म जाति के लोग मेरे साथ है, हिंदू मुस्लिम जब सभी धर्म के लोग मेरे साथ है तो इसमें जात पात का विषय आता ही लगाओ लगाओ कुछ लोग जात पात का विषय करते हैं लेकिन वो जात का विषय करके उसने जिस ओर से चुनाव लड़ रहे हैं तीन तीन चार चार उम्मीदवार क्या कहेंगे इसे लेकर के? सब सबको अपना अपना ही नसीब आजमाने का ये वक्त है, अपना काम क्या किया वो आजमाने का वक्त है। अगर उन्होंने कुछ काम किया होगा तो जनता उनको भी चुना देगी। सर आप दो बार से आमदार रह चुके हैं, तीसरी बार आप तैयारी कर रहे हैं हम चुन के आने की, इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ और दो बार भी मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी उससे ज्यादा आशीर्वाद जनता देगी क्योंकि मैंने विकास किया है। महेश चौगले